इनका प्लान किस तरह से हुआ, किस किन महिलाओं को यहाँ पर सम्मानित करना, ये किस तरह से आप लोगों पूरी यूनिट ने ये डिसाइड किया? यह मानव विकास संस्था द्वारा यह कार्यक्रम हर साल किया जाता है, जिससे महिलाओं को प्रोत्साहन मिले, महिलाएं बढ़ चढ़ के क्षेत्र में हिस्सा लें। और फिलहाल इस साल का कार्यक्रम हमारा करने का उद्देश्य नहीं था, लेकिन मीरा सिंह जी ने बोला कार्यक्रम करिए और हम लोगों ने कोशिश किया कि कार्यक्रम बेहतर बनाया जाए। और जो हर क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र हो गए, मैडम जी हैं, बॉलीवुड रेफरोजी मैडम हैं, जो विधायक जी नगर, जो हर क्षेत्र में महिलाएँ जिस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, बढ़ चढ़ काम कर रही है, हम चाहते हैं संस्था के माध्यम से उनका सम्मान करें और जो हमारी महिलाएं आती हैं उन्हें सीख मिले, शिक्षा मिले कि किस तरह हमारे देश की महिलाएं आज बहुत आगे बढ़ चुकी है भारत में। और जो एक भारत सरकार नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, इसमें आगे भी काम करते रहेंगे इस मुद्दे पे। कार्यक्रम तो हर चीज़ चलेगा, लेकिन जब उस कार्यक्रम की सराहना तब होती है जब इतने सारे लोग वहाँ पर हिस्सा लेकर इसको और बढ़ावा देते हैं, यहाँ पर महिलाओं की एक अच्छी सी जनसंख्या दिखी, तो ये देखकर कितना अच्छा लगा कि आपका कार्यक्रम सफल रहा। हमें तो हमारे महिलाओं विश्वास है कि हमारे हर कार्यक्रम में महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं और हम भी कोशिश करते हैं कि महिलाओं के हर समस्या का समाधान हो सके, विधायक के माध्यम से, प्रमुख के माध्यम से, किसी के माध्यम से, सामाजिक संस्था के माध्यम से। हाई कोर्ट तो जाना पड़े तो भी जाएंगे, लेकिन उनके हर समस्या का समाधान करेंगे और